जय जोहार सबको, सलाम वालेकुम, जय प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बिरसा। इस मंच पर जो बैठे हैं, ये सिंधु कानू के क्रांति के प्रतीक है। ये व्यक्ति जिन्होंने ना झुकना सीखा, जिन्होंने ना मरना जाना, सिर्फ लड़ना जाना है। और वो लड़ाई इसीलिए कि झारखंड के स्वाभिमान की रक्षा किया जा सके। ये लड़ाई झारखंड की रक्षा के लिए है, ये लड़ाई बाहरी और भीतरी के लिए है। ये लड़ाई जो यहां पर आप सब लोग आए हैं, मां बहने, जो मेरी कंप्लीट हम सब के जीवन के निर्माण के प्रतीक हैं, आप, मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा, मैं भाजपा से चार बात पूछूंगा। पहली बात कि सबसे ज्यादा झारखंड बनने के बाद पांच मुख्यमंत्री आप बने हैं, पांच, चार मुख्यमंत्री अभी आपके पास है। हमारे पास सिर्फ एक शेर का बेटा है जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के बाद क्रांतिवीर तिलका मांझी के क्रांति के पथ पर चलने वाले आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन के बाद, यदि किसी के भीतर इस झारखंड के एक एक मूलवासी के लिए लड़ने और मरने का जज्बा पैदा लिया, वो झारखंड का बेटा है हेमंत सोरेन, जो आपके सामने बैठा है। मंच पर सभी सम्मानित नेता, गठबंधन के नेता, सभी कांग्रेस, जो आज पूरी दुनिया राहुल गांधी की ओर देख रही हो, पूरा विश्व का दलित गरीब राहुल गांधी की ओर देख रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति, दो विचारधारा, एक देश की और दूसरा झारखंड की, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, भाजपा के नेताओं से, ये जो तीर धनुष है ना, ये तीर धनुष अंग्रेज का मुकाबला किया था, याद रखना है आप इस बात को, ये तीर धनुष बंदूक और तोप से ऊपर है, इस बात का ख्याल रखना। जब हमारे पास संविधान नहीं था, जब हम लोकतांत्रिक मूल्य में नहीं थे, तब मेरे पास तीर धनुष था। आज मेरे पास एक तरफ तीर धनुष है, दूसरे तरफ संविधान है, और तीसरे तरफ ये देश की जनता है। ये दुनिया में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है। ये लड़ाई आज हमारी है। दूसरी तरफ एक बात ख्याल रखना, ये भाजपा की लड़ाई क्या है, ये जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की है। अभी मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा, इस बात का ख्याल रख लेना। झारखंड में के पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लगभग 600 आदिवासी के युवा को मारा है, 600 और वहां के आदिवासी और गरीब लोगों के घर और जमीन को कब्जा कर रहा है। ये बीजेपी अपने उद्योगपति के द्वारा यहां कौन आए हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये गुंडे लोग आए हैं बाहर से, एक मेरा बेटा है, बाप का भाई है, हम दोनों अलग अलग कोख से पैदा लिए हैं। यदि हेमंत आपका मूलधन है, तो पप्पू यादव सूद और ब्याज है आपका, ये आप ख्याल रखना है। आप, मैं आया हूं एक बात कहने, ये लोग बाहर से आ रहे हैं सारे गुंडे, और ये क्यों आ रहे हैं बाहर से, आप उनसे पूछो कि झारखंड को सबसे ज्यादा किसने लूटा, झारखंड को गरीब किसने किया, झारखंड को कमजोर किसने किया, झारखंड की बेरोजगारी किसने छीनी, झारखंड को आर्थिक बेहाली किसने की, झारखंड को इस हालात में किसने पहुंचाया। यदि झारखंड को किसी एक बेटा ने बचाया, वो है हेमंत सोरेन। और आज मां योजना, ये मां योजना नहीं है, ये आपके अस्तित्व की योजना है, ये योजना आपकी जिंदगी की है। इसीलिए चूंकि इनको आगे जाना है, मैं सिर्फ इतना एक बात कहना चाहूंगा अंत में, आपसे सिर्फ
एक बात याद रखना कि आप जिन चीजों के लिए यहां आए हैं, ये आज सिर्फ आदिवासी गरीब और मुसलमानों के लिए नहीं, आपका जो बेटा है हफीजुल, ये इंसान है हफीजुल, ये कभी जात पात नहीं किया, ये कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, मुसलमानों से ज्यादा इस मधेपुर के बाजार के व्यापारियों से मोहब्बत किया। इसीलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि इस बीजेपी का नामो निशान मिटा दो। एक तरफ हेमंत का गुंडा यहाँ बैठा है गुंडई के रूप में, आप इस हेमंत विश्वसवा को बढ़ाओ, तुम्हारे जैसे गुंडे को हम अपने क्रांतिवीर हेमंत के द्वारा खत्म करेंगे और तुमको झारखंड से समाप्त करेंगे। ये लड़ाई के साथ मैं आप सारे गैर आदिवासी, चाहे वो जादव हो कोई, आप एक ताकत के साथ इस भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप एक पैर पर खड़े होकर के इस झारखंड में दोबारा अपनी रक्षा के लिए हमंत अपने भाई और बेटे को बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय प्रणाम, जय सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद।